मैं 7 साल का था जब रोबोट का कंसेप्ट मुझे पहली बार पता चला था। मुझे लगा कि मेरी माँ को भी गलत फहमी है कि वो रोबोट है। सुबह 5 से रात 12 बजे तक काम करती हैं और एक शिकन नहीं चेहरे पर। वकेशन तो छोड़ो, एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेती हैं। मेरे शिक्षक ने बताया था कि रोबोट और इंसान अलग है, क्योंकि रोबोट महसूस नहीं कर सकते, इंसानों की तरह प्यार नहीं कर सकते। मैंने सोचा माँ की गलतफहमी दूर ही कर दूँ। मैं उनके पास गया और बोला, तुम रोबोट नहीं हो माँ, तुम रोबोट नहीं हो माँ, थोड़ा सुस्ता हो ना, बैठ जाओ, सांसें ले लो, कभी आराम फरमाओ ना। आज कुछ काम हमसे बांट लो, आज इत्मीनान के कुछ पल काट लो। आज बिस्तर मैं संवार दूंगा, आज खिड़कियों से जाले मैं निकाल दूंगा, आज नाश्ता मुझे बनाने दो, आज प्यार का स्वाद मुझे मिलाने दो, आज लाइट गुल हो जाने पर किचन में पसीना मुझे बहाने दो, आज तुम पहले खाओ, मैं देखूंगा, खाने के बाद सारे बर्तन आज मैं धो दूंगा। हंसने लगी वो, बोलती, थैंक यू मेरा प्यारा बच्चा, पर मेरी खुशी तुम हो, मेरा आराम तुम हो, मेरा इत्मीनान तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो। ये इतनी बातें ना बनाओ, अभी चुपचाप जाओ और नहा कर आओ। फिर मैं सोचा कि ये सब माँ एक जैसी कैसे हो सकती हैं, जब तक सब एक ही परम परमेश्वर ना हो। वापस आकर मैंने माँ से कहा, तुम रोबोट नहीं हो माँ, भगवान हो। इस पर और जोर से हंसी और बोलती, खाना लगा रही हूँ, प्लेट पूरी साफ करना, सब्जियां महंगी हो गई हैं।